अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडी गेट। आज हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो आइए करते हैं। नंबर वन एमसीक्यू है, व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 600 एवोल्यूशन पर मिनट। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी 600 एवोल्यूशन पर मिनट गिवन है और टाइम हमारे पास 2 सेकंड गिवन है। सो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है या एंगल बताना है, इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 20 रेवोल्यूशन आंसर आ जाएगा। 60 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि पर मिनट है, तो 20 रेवोल्यूशन आंसर आएगा। अगर हम इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40 पाई रेडियन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लेकिन इस पर थोड़ी सी मिस्टेक है, बी एंड सी होना चाहिए था, फिर ऑप्शन डी सही बनती है। सो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इज इक्वल टू बी एंड सी, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, 2 पाई रेडियन सब्सटेंस एन एंगुलर। स्टूडेंट्स इसका आंसर हम सिंपल रिलेशन से निकालेंगे। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस हमारे पास एक सर्कुलर मोशन के लिए 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू आर थीटा। आर आर से कैंसिल हो गया, सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू का एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर इज, एक्चुअली एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो उसमें हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, ये सब जो है एक्सियल वेक्टर्स की ही एग्जांपल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड वॉच आफ्टर 5 मिनट्स। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बतानी है सेकंड हैंड वॉच के आफ्टर 5 मिनट्स। सो एक कंप्लीट मिनट जब पूरा करती है वॉच, तो वो एक सर्कल को कंप्लीट करती है। सो एक सर्कल के लिए हमारे पास 2 पाई रेडियंट होती है, 1 रेवोल्यूशन होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर हमने 5 मिनट्स के लिए फाइंड करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाई रेडियंट, 5 रेवोल्यूशन और 1800 डिग्री आ जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हमारे पास डेली रोटेशन ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्पिन मोशन इज। डेली रोटेशन हमने बतानी है इन टर्म्स ऑफ स्पिन मोशन इज। तो टाइम हमारे पास गिवन है, डेली मतलब 24 आवर, और स्पिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है 2 पाई, तो इससे हमारे पास रोटेशन आ जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आवर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम जो है, इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक फैन अटेन्ड इट्स मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड आफ्टर 15 रेवोल्यूशन, अज्यूम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ मच टाइम विल द फैन टेक्स टू अटेन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। हमारे पास टाइम हमने फाइंड करना है, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है जो कि 15 रेवोल्यूशन है और एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशन है। सो सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर ओमेगा। 15 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 3 सेकंड, टाइम हमारे पास आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम जो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच टू मिनट हैंड वॉच इज। स्टूडेंट इसका सोल्यूशन भी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि सेकंड हैंड वॉच और मिनट हैंड वॉच के एंगुलर स्पीड की रेशियो हमने बतानी है। सो दोनों की एंगुलर स्पीड की को हम कंपेयर करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि हमारे पास एंगुलर स्पीड होती है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। सो डेल्टा थीटा हमारे पास 2 पाई है और टाइम हमारे पास सेकंड हैंड वॉच के लिए 60 सेकंड है और मिनट हैंड वॉच के लिए 60 मिनट है। सो दोनों के एंगुलर स्पीड को कंपेयर किया, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, कंपेयरिंग 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मिनट। सो 2 पाई 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड और 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड जो होता है वो 1 मिनट के इक्वल होता है। सो 60:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 100 टाइम्स पर मिनट इज। स्टूडेंट्स 100 टाइम्स पर मिनट गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय हम 100 टाइम्स पर मिनट मींस 100 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो लेकिन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 भी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.47। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ़ एंगुलर स्पीड इंक्रीज, अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करेगी तो एंगुलर स्पीड जो है वो हमेशा पैरेलल होगी एंगुलर एक्सेलरेशन के, और अगर एंगुलर स्पीड डिक्रीज करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन के वो एंटी पैरेलल होगी। सो अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज करे तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4, इट्स एंगुलर स्पीड इज। इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, जो कि रिलेशन से निकाला गया, वी इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा हमने फाइंड करना है, वी हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाय 0.4, तो 5 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
यहाँ पर गलत मार्किंग हुई है, ऑप्शन डी इसकी सही बनेगी, 5 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ अ रोटेटिंग बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉक वाइज मीन्स एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है वो, देन एंगुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, तो जाहिर सी बात है एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, उसकी हमेशा डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, चाहे वो क्लॉक वाइज मूव करे या एंटी क्लॉक वाइज मूव करे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजेंटल सर्कल विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो अगर बॉडी जो है वो हॉरिजेंटल सर्कल में मूव कर रही है विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट होगी। ये किस तरह, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², तो कॉन्स्टेंट स्पीड है मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो वेलोसिटी का वो कॉन्स्टेंट है, तो अगर वो कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी 1/2 mv² के मुताबिक, सो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी इज, एक्चुअली हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास जस्ट सिंपल f होती है, तो अगर हमने रेशियो निकालनी है तो 2πf डिवाइडेड बाय f, f f से कैंसिल हो जाएगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 2π। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, 30 डिग्री को हमने ऑप्शन जो हमें गिवन है वो रेडियन में गिवन है, सो हमने 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे 2π/360 × 30, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा π/6 रेडियन, 2π/360 × 30, तो हमारे पास आंसर आएगा π/6 रेडियन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास स्पीड कॉन्स्टेंट होती है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होती, हाँ वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो चेंज होती है, लेकिन स्पीड जो है वो हमारे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 revolutions per minute इज, सो एंगुलर स्पीड निकाली है सिंपल, हम 120 revolutions per minute को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 120 × 2π/60, तो ये रेडियन पर सेकेंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा 4π/rad/s, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड देन, अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, कॉन्स्टेंट स्पीड है उसकी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी, सो ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द रोटेशन वुड बी, पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और अगर नेगेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, सो इस केस में ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन अ व्हील 1 meter इन डायमीटर मेक्स 30 revolutions per minute, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स रिम्स इन मीटर पर सेकेंड इज, सो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा, हमारे पास डायमीटर जो डायमीटर गिवन है 1 meter, सो डायमीटर नहीं हमें रेडियस चाहिए, तो 1/2 हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 30 revolutions per minute को 30 × 2π/60, इससे ये रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा, तो 1/2 × 30 × 2π/60 आंसर निकालेंगे, तो हमारे पास π/2 आंसर आ जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वर्क डन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन विल बी, सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, W इज इक्वल टू FD cos θ, 90 एंगल पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू FD cos 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट चली जाएगी और फोर्स जो है वो अलोंग द टूवर्ड्स द सेंटर होगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग द टेंजेंट होगा, सो 0 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन केस ऑफ प्लैनेट्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय, सो प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं, सो नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फोर्स विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द मड इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेंजेंट टू द मूविंग टायर। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पर है वी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, सो ऑप्शन सी भी ठीक है, और अगर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता तो ये भी ठीक होती, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास यूनिट रेडियन रेवोल्यूशन डिग्री सारे होते हैं, लेकिन उन्होंने एसआई यूनिट पूछा है तो उसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड
विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. द मोशन टेक्स प्लेस इन द प्लेन, इट फॉलोज दैट. तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है और फोर्स जो है वो अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी. सो इट्स सिंपल कि ये सर्कुलर मोशन होगी. सो ऑप्शन डी, इट्स मोशन इज सर्कुलर. नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड. द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इज, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा डी. तो डेल्टा वी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो. और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वी स्केयर बाई आर, सो वो वी स्केयर बाई आर होगी. सो ऑप्शन बी, जीरो एंड सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इज वी स्केयर बाई आर. नेक्स्ट एम सी क्यू है, अ स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ टेंशन ऑफ 25 न्यूटन. वट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम कैन बी वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल यूजिंग 1 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज. हमारे पास टेंशन जो है वो 25 न्यूटन गिवन है और हमारे पास मैस 1 किलोग्राम गिवन है और हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इस केस में होगा, तो वो 1 मीटर गिवन है. हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, टी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर. वी हमने फाइंड करना है, तो वी दूसरी साइड पे जाकर वी इज इक्वल टू स्केयर रूट टी आर बाई एम, क्योंकि हमने वी फाइंड करना है, वी स्केयर नहीं. तो वैल्यूज पुट करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 और ऊपर स्केयर रूट, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी इफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 मीटर विद एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर मिनट. सो हमारे पास रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. आर हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है, वह डायमीटर गिवन है जो कि 6 मीटर है, उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो वी इज इक्वल टू 6 बाई 2 एंड 50 रेवोल्यूशन को हम 50 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हम फॉर्मूला लगाएंगे. 10 सेकंड्स आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन, द फैन रिटेन्स एट 300 रेवोल्यूशन पर मिनट इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज. हमारे पास 300 रेवोल्यूशन पर मिनट ओमेगा है, लेकिन रेडियन पर सेकंड में पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, तो 10 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा. तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 10 पाई रेडियन पर सेकंड है, डिवाइडेड बाई टाइम 10 सेकंड्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.14 रेडियन पर सेकंड या पाई. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट टाइम से द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी गिव्स डायमेंशन ऑफ. तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती है m0 t माइनस 1 l0 एंड एंगुलर वेलोसिटी की होती है m0 l0 t माइनस 1 और एंगुलर एक्सेलरेशन की होती है m0 l0 t माइनस 2. सो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास t माइनस 1 या पर सेकेंड हमारे पास t माइनस 1 डायमेंशन आ जाएंगी जो कि फ्रिक्वेंसी की होती हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट टाइम सी को है, एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज स्विच्ड ऑफ, इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकंड. कम्स टू रेस्ट मीन्स एंगुलर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है ना वो जीरो है, तो व्हाट विल बी द डेसेलरेशन प्रोड्यूस. सिंपल फार्मूला पुट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर फाइनल वेलोसिटी माइनस एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. एंगुलर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो 3 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.16 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल कीपिंग सेम एंगुलर वेलोसिटी देन सेंटीपेटल फोर्स बिकम्स. सेंटीपेटल फोर्स भी हमारे पास डबल हो जाएगा अगर रेडियस जो है वो डबल होगा, क्योंकि सिंपल फार्मूला लगाएंगे एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो अगर रेडियस डबल तो सेंटीपेटल फोर्स भी डबल, क्योंकि सेंटीपेटल फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस केस में. नेक्स्ट टाइम से क्या, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ओवर एंड ऑफ अ क्लॉक आर एंड ऑफ अ क्लॉक वेल मूविंग 12 ओ क्लॉक टू 3 ओ क्लॉक इज. तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगल थीटा के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, 90 डिग्री, क्योंकि 12 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक तक जब जो वॉच है वो मूव करेगी तो उसमें थीटा जो है वो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल जो है वो 90 का बन रहा होगा. तो ऑप्शन सी 90 डिग्री. नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट 2 पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द स्पिनिंग बॉडी हैविंग अनइक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो स्टूडेंट्स, all the points on a spinning rigid body have same angular parameters and different linear parameters.
उनके पास सेम एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं जो भी स्पिनिंग रिजिड बॉडी होती है, और डिफरेंट लीनियर पैरामीटर्स होते हैं, और सो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सेलरेशन। तो लीनियर पैरामीटर जो होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने मैंशन किया कि सेम एक्सेलरेशन, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अर्थ वाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन अ टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ वन ईयर इज। सो ऑप्शन बी पाई रेडियन इज करेक्ट, बिकॉज इन वन ईयर मीन्स कंप्लीट रेवोल्यूशन द अर्थ कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2π, एंड इन हाफ ईयर मीन्स हाफ रेवोल्यूशन द अर्थ कवर्स एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2π डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई रेडियन। नेक्स्ट टाइम सीखा, इफ़ द टेंजेंशियल एंड सेंटीपेटल एक्सेलरेशंस आर टेंजेंट एंड अलोंग द सेंटर देन द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी। एक एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट है और एक जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, सो परपेंडिकुलर हैं दोनों कंपोनेंट्स। सो रिजल्टेंट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर रूट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इज इक्वल टू ए टी, ए स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर सी एंड उसका होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बॉडी इज रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर कीपिंग पीरियड ऑफ रोटेशन कॉन्स्टेंट बट रेडियस इज डबल 2r, देन एफ सी बिकम्स एफ। इसके लिए भी सिंपल फार्मूला, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर की पीरियड ऑफ रोटेशन कॉन्स्टेंट, मीन्स ओमेगा कॉन्स्टेंट है, पीरियड ऑफ रोटेशन होता है इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सो वो कॉन्स्टेंट है। तो हम रेडियस हमारे पास 2r है, तो रेडियस फोर सेंटीपिटल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस केस में। तो अगर रेडियस 2r है तो सेंटीपिटल फोर्स भी हमारे पास डबल होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइम से बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड इट हैज़, सो ऑप्शन ए बोथ टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट एम सी क्यू है, स्टोन ऑफ मैस 250 ग्राम इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट इज़ वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर या फिर टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्केयर। वैल्यूज पुट करेंगे 250 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि रेडियस जो है वो लेंथ की इक्वल होगा, मल्टीप्लाई बाय 30 रेवोल्यूशन पर मिनट को हम 30 मल्टीप्लाई बाय 2π डिवाइडेड बाय 60 इसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एम आर ओमेगा स्केयर के लिए हम होल स्केयर ओमेगा का स्केयर आ जाएगा, और 250 को भी पहले हम 250 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 250 डिवाइडेड बाय 1000 से मैस जो है वो किलोग्राम में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2π डिवाइडेड बाय 60 इसका होल स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई स्केयर डिवाइडेड बाय 4 एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।